एकदम सजी धजी थी, आप समझ आ गया कि ना गया। अब महिला से डेढ़ दो घंटा लगा देती है सजने में, तो पूरा बढ़िया से सजी थी। और त्योहार का समय था तो राजा घूमने उमने आया था, और देख लिया इसको कौन कौन देख लिया जाएंगे। सोचिए इस छोटा का मान भाई से ब्याह हो गया था, जगत गोसाई से ब्याह हो गया था, अनारकली से चक्कर छाई, और कई को कोई छुपैले था पते नहीं है अभी इतिहास में नहीं जान जाया। अरे ही बहुत खचरा था जहांगीर यहाँ पर, उतना के चक्कर के बावजूद किसको देख लिया, नूरजहां नौकरानी थी। और राजा देख रहा है टीवी होशियार, एक बलवा घींच के इसे मोड़ दिए, समझ आ गया कि नहीं आएगा, बहुत खतरनाक है वो, समझ आ गया कि नहीं। एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे, सीधा नहीं मुस्कुराएंगे, इस सबसे बचना, समझ आ गया कि नहीं आएगा। एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद, लम्हों में खता की थी सदियों में सजा पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन मेरे समझाने का आप लोग को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना आप मुस्कुराहट देखते तो इतना भयानक वोल्टेज आपको लगता है कि आप हाँ अरे 440 वोल्ट को जी ट्रांसफार्मर एकदम से बजा। तो जहांगीर वहीं फिसल गया, जहांगीर फिसल। अच्छा ये मुस्कुराई क्यों थी, फंसाने के लिए नहीं जान जाया। अब जहांगीर कहा कि भाई ठीक ठाक है यहाँ पर। अब जहांगीर इसके पीछे पड़ गया, अभी पीछे पड़ गया थी भाप गई तो और नखरा करने लगी, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अरे बेचारा पीछे पीछे यार, लड़की लोग को समझ आ रहा है। अच्छा ये परंपरा को, ये नखरा दिखाने वाली परंपरा अगर आप देखिएगा तो मुगल काल से चलते आ रहा है और पहले से चलते आ रहा है। हाँ तो जहांगीर ने इसे क्या कर दिया, बहुत खुश हुआ तो डायरेक्टर थोड़े कहेगा ब्याह करने के लिए, पहले पुलाएगा। गिफ्ट उफ्ट देगा, डेरी मिल्क कहते हैं यहाँ पे। अरे उस समय का जो गिफ्ट रहा होगा दिया हुआ, अकाउंटिंग के बोझ से दबे हुए हैं, का जो गिफ्ट रहा होगा दिया हुआ। नूर जहां तो अंदर अंदर समझ लेती गैलो बाबूआ, इो गैलो इो गया अब यहाँ से, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब नूर जहां सोच रही होगी इसको कौन पैतरा से करे, तो अपना दोनों में चक्कर बढ़िया चल गया। तो इस दोनों ने इसको जहांगीर ने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सोचिए एक विधवा, आज के समय में थोड़ा सा समाज जागृत हो गया है तो सम्मान की नजर से सबको देखता है, लेकिन पहले के समय में विधवाओं को लोग बड़ा अजीब नजर से देखते थे। तो एक विधवा उसपे से दासी, और उसको राजा कह रहा है ब्याह करोगी हमसे, आप बताओ कौन ऐसा ऑफर ठुकराएगी, बताओ हाँ लड़की लोग बताओ कोई ऑफर ठुकराएगी ऐसा। तो हंस कौन चीरा है गदा कहेगा, तुम लोग रहता लोग तो कौन जो ऑफर ठुकरा था, तुम्ही को कहती रजिया सुल्तान ब्याह करोगे तो क्या बोलता। देखो ये गदा सब क्या नहीं बोल, तुमको तो पहले बोलती नहीं है, हाँ बता एक कोटा वाला सोच रहा है इसको बोले आप। अरे किसी का इतने दिन थोड़े खराब है, आगे बढ़े। नौरोज के दिन किसने देख लिया ऐसे, जहांगीर। और जहांगीर खुश हो गया, और इसका असली नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था, मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने कहा देखो जहां मतलब होता है पूरी दुनिया, अगीर मतलब रखवाला, जहां का रखवाला यानी जहां का राजा, मिलता जुलता ना नाम रहना चाहिए। तो जहां मतलब दुनिया, अनूर मतलब सुंदरता, दुनिया की सबसे सुंदरता, दुनिया का सबसे बढ़िया राजा जहांगीर नूरजहां, संधि विच्छेद कर रहा है। पहले इसका नाम रखा था नूरे महल, जब पहली बार देखा ना नौरेज के दिन तो इसका नाम क्या रखा, नूरे महल। नूरे महल यानी तुम पूरे महल में सबसे सुंदर, कहे कि इतने पे गए लो, इतने त्योहार में सजे थे, ब्याह में सजने थे। अब ब्याह में सजी एकदम भयानक, तो कहा क्या एडिट करना है, एडिट करना है, नूरे महल नहीं ना नूरे जहां, कहा कि अब हुआ बात यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं। बहुत खचरी महिला थी जहां,
अरे बात पूछिए आप। इसको बुढ़ौती में फैशन का बहुत शौक था। इसका लहंगा जो पहनती थी ना तो उसमें एक्स्ट्रा तनी सा शमियाना जोड़ी रहती थी, चार पांच को दासी उसको लेके चलती थी सर। आज तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, आजकल की महिला 2 फीट एक्स्ट्रा जोड़वा कैसे उठा के चलते हैं। उसका अभी तो बहुत शॉर्ट वर्जन आया है, वो 40 फीट जोड़वा लेती थी पीछे तक, अब पूरा चलती थी तो लसराते रहता था। ऐसा दो चार को मिले सब तो क्लास में पहले उसी को एंट्री दिलाओ, पूरा साफ करके जाएगी। नहीं जान जाए आप में से किसी का हो अगर ऐसा तो क्लास में हम बोलिए सबसे पहले एंट्री दिलाते हैं, पूरा साफ हो जाएगा क्लासरूम। तो बहुत चालबाज थी कौन नूरजहां। जहां जहांगीर साइन करता था ना बगल में वो भी साइन करती थी, एकदम डबल साइन करती थी, जैसे लगना ज्वाइंट अकाउंट खुलता था। ऐसा ऐसा खतरनाक थी महिला कौन नूरजहां। 1611 में इसका विवाह हो गया किससे, जहांगीर से। किसे हो गया, जहांगीर, जहांगीर से। और ये जहांगीर के साथ साथ राज सिंहासन में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। अब ज्यादातर सिंहासन में आप देखिएगा ना, जहां जहां महामनगा एंट्री मारी दुबई अकबर को, ये एंट्री मारी ये दुबई। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सारी महिलाएं शासन में गलत थी, रजिया सुल्तान अगर महिला ना होती तो शासिका बहुत योग्य थी रजिया। इंदिरा गांधी को देख लीजिए यहाँ पर, सब यहाँ पे। आप दुर्गावती को देख लीजिए, जोधाबाई को देख लीजिए, दक्षिण भारत में अहमदनगर की शासिका चांद भी को। तो जो शासन के लिए सब कुछ जानता हो उसके लिए सही है, सुंदरता के दम पे शासिका बन जाइएगा इसका कोई औचित्य नहीं है। समझ में गया कि नहीं। 1611 में क्या हो गया, विवाह हो गया। अब विवाह हो गया ना तो ये जहांगीर कर, इस शाहजहां कर रहा है कि रत्न हमारा बाप ब्याह कर लिया है, देखना नहीं चाहता था किसको, नूरजहां। अजब वाले नूरजहां को देखना नहीं चाहता था, था 27-28 साल का, ब्याह होने लायक इसका उम्र था। अब नूरजहां को देखना नहीं चाहता था, अब नूरजहां कहे कि अब तो दिक्कत हो गया, रजवा तो हमारे अंडर में है, ये राजकुमार भी तो हमारे अंडर में होना चाहिए। तो कहे के दोनों को फंसा ले, कहे कि ना 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 ना, दोनों फंसाएंगे और घुसी आ जाएगा बुढ़ो। तो अपनी इसकी भतीजी का नाम था मुमताज, भतीजी का नाम मुमताज। तो देखिए लड़का जब ना लड़की के पीछे शुरू शुरू में रहता है ना, डेमो देता है, तो उसको लड़की का हर चीज का ख्याल रखता है। मम्मी का तबीयत ठीक है ना, भाई ठीक है ना, ये सोचा डेमो खत्म हो जाएगा ना सब, तोरा खुद का तबीयत बिगड़ेगा तो पूछ भी ना करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि नूरजहां सीधा थी, है भी एक्सपीरियंस वाली थी। आप अनएक्सपीरियंस को ठग सकते हैं, नूरजहां तो एक्सपीरियंस होल्डर थी। इसने क्या किया, देखा कि सोच रहा 2-3 साल बाद ना है, सोच रहा हमरो भी साइड लाइन करेगा यहाँ पर, इसलिए इसने शुरुआत में ही ग्यास बेग का ना एतमा तू दौला की उपाधि धारण करा दिया। तो जहांगीर ने इसे ईरानी परंपरा की बहुत ही महान उपाधि एतमा तू दौला की उपाधि दे दिया। और नूरजहां ने जब ग्यास बेग मरा था, उसका बाऊजी किसका, नूरजहां का, तो ग्यास बेग के लिए ना ग्यास बेग का नाम क्या पड़ गया, एतमा तू दौला। आगरा में ना संगमरमर से उसका मकबरा बनाया एतमा तू दौला का, वो ताजमहल से भी पहले बना था, ताजमहल तो इसके बाद आएगा, शाहजहां वो बनवाएगा। तो सफेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत मुगल काल में एतमा तू दौला का मकबरा था। इसकी माता का नाम था असमत बेगम, ये इत्र बनाना जानती थी, गुलाब के फूल से उसका रस निकाल के इत्र बना लिया जाता है, इत्र खराब नहीं होता, बढ़िया इत्र जो आता है अरेबियन टच वगैरह का बहुत महंगा आता है, 1500-1600 का इतना छोटा में आता है। जो ठेलवा में बेचता है 40 रुपया में इत्र, कि घूम जाइएगा तो इत्र कम क्लोरोफॉर्म का ज्यादा कम, अगल बगल को गमका देता है पूरा। तो भाई 40-50 रुपया में इत्र नहीं मिलता, वो केमिकले ज्यादा यूज कर देते हैं, इत्र बहुत महंगा आता है। समझ में, कपड़ा धो दीजिएगा तब तक उसका असर रहता है। आजकल तो जो परफ्यूम मार रहा है सब, तो और भी एडवांस आ गए हैं सब। तो इत्र की खोज किसने की थी, असमत बेगम। क्या आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, हाई ब्रोकरेज? लेके आएगा आदमी ने बड़ी मार मारेगा, उस सबको चौमिंग बनवाएगा आदमी यहाँ। ए दादा बुढ़ा गए हैं जी।